हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्पोर्ट्स चैनल। आइए बात करते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले गए पहले T20I मैच की। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को पहले T20 मैच में हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 190 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज़ ने 8 विकेट खोकर सिर्फ 122 रन बनाए। वनडे सीरीज में ब्रेक लेने के बाद T20I मैच में वापसी करते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 64 रन की पारी खेली। इसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए। मध्य क्रम के बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से भारतीय टीम थोड़ी लड़खड़ा गई थी, पर अंत में दिनेश कार्तिक ने आके 19 गेंद में 41 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। 191 रन का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज शुरुआत से ही अपने विकेट गंवाने लगी। वेस्टइंडीज के लिए ब्रुक ने 20 रन और टीमो पॉल ने नाबाद 19 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप अश्विन और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट चटकाए। दिनेश कार्तिक को उनकी तूफानी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल।